देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोर स्विच कैसे काम करता है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, हम इसको बेसिकली दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला, टैंक को भरने के लिए ऑटोमेटिकली, और दूसरा, टैंक को खाली करने के लिए। देखिए, इसको हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे घर पे पानी की टंकी होती है, हम उसको मोटर से भरते हैं और फिर इसको बंद करना पड़ता है। देखिए, इसको लगाएंगे हम तो ऑटोमेटिकली हमारा टंकी क्या होगा, भर जाएगा। और जैसे ही टंकी भर जाएगा तो क्या करेगा, मोटर को बंद कर देगा। हमारा पानी वेस्ट नहीं होगा, ना ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। और जैसे फिर से टैंक खाली होगा तो ये मोटर को चालू कर देगा, तो यही साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। और दूसरा केस ये आता है, जैसे हमारा बेसमेंट पर हमारी पिट होती है पानी की, उसमें गंदा पानी आता है, बारिश का पानी आता है। जैसे पिट भरेगी तो ये क्या करेगा, मोटर को चालू कर देगा, पिट को खाली कर देगा। और फिर जैसे ही पिट खाली हो जाएगी तो मोटर को बंद कर देगा। तो हम इसको ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके हम वायरिंग कनेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर लेते हैं, उसको कंटिन्यूटी पर लगा लेते हैं। उससे हमें क्या पता लगेगा, हमें पता जाएगा कॉमन कौन सा है, एनो कौन सा है और एनसी कौन सा है। इसमें तीन वायर होते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसको फ्लोर स्विच की दो कंडीशन होगी, या तो नीचे आएगा या फिर ऊपर आ जाएगा। देखिए, मैंने अभी इसको ऊपर की कंडीशन में रख लिया है। देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है वो तीन वायर हैं। देखिए, इसे मैं देख लेता हूँ कौन सा एनओ है, कौन सा एनसी है। तो मल्टीमीटर से पता जाएगा। देखिए, अगर आपको एनओ एनसी नहीं पता है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। देखिए, ये पता लग रहा है कि ये हमारा जो है एनसी है और ये हमारा एनओ है। तो एनसी, देखिए, ऊपर की कंडीशन में एनसी है। इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर की कंडीशन में आएगी फ्लोर स्विच तो मोटर चालू हो जाएगी, और नीचे कंडीशन में रहेगा तो मोटर बंद हो जाएगी। तो इस वायर को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम करेंगे यूज़ पिट में, जहाँ हमें पिट खाली करनी हो, ठीक है। ठीक है, इसको मैं दूसरी कंडीशन में कर देता हूँ नीचे को, तो ये क्या होगा, जो एनसी है वो एनओ बन गया, मतलब मोटर मेरी बंद होगी। जैसे ऊपर आएगा फ्लोर स्विच पानी के साथ तो मोटर चालू हो जाएगी, नीचे जाएगा तो फिर बंद हो जाएगी। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूसली पिट को खाली करता रहेगा। जैसे पिट भरेगी खाली कर देगा, और पिट में से पानी खत्म हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। देखिए, दूसरी कंडीशन ये है। देखिए, मैं इसका वायर चेंज कर लिया मैंने। देखिए, ये क्या करेगा, ये ऊपर की कंडीशन में एनओ हो जाएगा, मतलब मोटर हो जाएगा। जैसे नीचे आएगा फिर मोटर को चालू कर देगा, मतलब जैसे हमारी जो टंकी है उसमें फ्लोर स्विच नीचे आ जाएगा, पानी का इसके साथ लेवल कम हो जाएगा तो मोटर चालू हो जाएगी, और टंकी भर जाएगी मेरी, तो क्या होगा, मोटर बंद हो जाएगी। ओके गाइस।